हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एस्परजिलस फंगस के बारे में। एस्परजिलस का एक जनरल व्यू देखेंगे या जनरल इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर देखेंगे माइसीलियम की, यानी जो इनका माइसीलियम होता है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, और इनकी सिस्टमेटिक पोजिशन भी देखेंगे, और रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह से होता है, वेजिटेटिवली, असेक्सुअली, एनसेक्सुअली, सभी चीज़ों को देखेंगे। अगर वेजिटेटिव की बात करें तो मोस्टली फ्रेगमेंटेशन एंड स्क्लेरोटियम के थ्रू होता है। देन असेक्सुअल की बात करें तो वो मोस्टली फाइलेट्स या कोनिडियोफोर के थ्रू होता है, और सेक्सुअल की बात करें तो मोस्टली होता है ओगैमस टाइप का। ओके, एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम फॉर्म होते हैं इनके अंदर, आर्चिगोनियम। ओके, तो आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो एस्परजिलस है इसे कॉमनली यूरेशियम भी कहते हैं। ओके, और ये इनका नेचर अगर हम इनकी बात करें तो ये कॉमनली सेप्रोफाइटिक नेचर को शो करते हैं, विच मीन्स कि ये मेनली जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उससे अपना फूड गेन करते हैं। ओके, जैसे, और ये रोस्टिंग का भी वर्क करते हैं, जैसे रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, या जितने भी हमारे एडिबल थिंग्स हैं उनको, ये जो पैकेट में आते हैं उनको ये मोस्टली रोस्ट कर देते हैं। और कुछ प्लांट की स्पीसीज भी होती हैं जिनमें ये डिसीज़ कॉज करते हैं। ओके, या टोटली डेड कर देते हैं उनको, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये टोटली डेड कर देते हैं। ओके, और इनकी कुछ स्पीसीज हैं जो पैरासाइटिक नेचर को भी शो करती हैं, और ये ना केवल प्लांट्स में बल्कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी डिसीज़ कॉज करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग में ये लंग्स, कॉमन लंग डिसीज़ कॉज करते हैं, जिसे हम स्क्लेरोशियम कहते हैं, स्क्लेरोशियम डिसीज़ कहते हैं। ओके, इस उसे ये कॉज करते हैं। कैटल्स में भी ये डिसीज़ कॉज करते हैं कॉमनली। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनका जनरल इंट्रोडक्शन। तो डियर, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो एस्परजिलस है ये कंसिस्ट है ओवर 185 स्पीसीज से। एस्परजिलस इज़ अ जीनस कंसिस्टिंग ऑफ ओवर 185 स्पीसीज। ओके, और जो कि वेरियस क्लाइमेट्स में, जो वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट होते हैं, मतलब कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हैं, तो उसमें ये फाउंड होते हैं। एस्परजिलस जो है फर्स्टली कैटलॉग्ड किए गए थे 1729 में। ओके, इटालियन प्रीस थे या बायोलॉजिस्ट उन्हें हम बोल सकते हैं, पायर एंटोनियो माइकेली, इन्होंने ही इसका जो सिस्टमैटिक पोजीशन था उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बारे में भी बताया। ओके, तो उन सभी थिंग्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। तो डियर, अगर हम इनके सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम फंगाई से बिलोंग करते हैं। ओके, डिवीज़न एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं। डिवीज़न एस्कोमाइकोटा में काफ़ी एक तरह से इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अपनी वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको गूगल पे भी थोड़ा सा स्टडी करें। ओके, तो अगर हम इनकी क्लास की बात करें तो ये यूरोशियो माइसिटीज से बिलोंग करते हैं। देन ऑर्डर यूरोशियल्स होता है, यूरोटियल्स भी बोल सकते हैं, देन बट यूरोशियल्स बोलते हैं। ओके, फैमिली ट्राइकोमेसी से बिलोंग करते हैं। देन जीनस एस्परजिलस से बिलोंग करते हैं। ओके, जीनस इज़ अ कॉमन नेम एस्परजिलस। माइकेली नाम के साइंटिस्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था जनरल इंट्रोडक्शन में, 1729 में उन्होंने इन्हें डिस्क्राइब किया था। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके माइसीलियम की स्ट्रक्चर को। तो डियर, माइसीलियम या माइसीलियम ऑफ एस्परजिलस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक, ये जो मैंने यहाँ पर शो किया है डायग्राम, उसको बताना चाहूँगी। तो देखिए, जैसे कि आपको अंदर ये शो हो रहा है, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम कहेंगे वेसिकल्स। ओके, देन ये स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें कहते हैं स्टेरिग्मेटा, जिससे कोनिडियोफोर फॉर्म होते हैं। ये जो होते हैं ये चेन्स होते हैं कोनिडिया के। ओके, कोनिडियोफोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोनिडिया इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर में, और जब कोनिडिया जर्मिनेशन करने के लिए जाता है तो इस तरह का जर्म ट्यूब फॉर्म करता है, और नीचे की तरफ जो सबस्टेटम से अटैच होने के लिए इनको हेल्प करते हैं वो होते हैं फूड सेल्स। ओके, ये जो नीचे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, तो ठीक है। तो अगर हम इनके माइसीलियम की बात करें तो इट इज़ वेल डेवलप्ड एंड मेड अप ऑफ लूजली इंटरवोवन मास ऑफ हाइलिन। मतलब लूजली इंटरवोवन मास होता है हाइलिन का, जो कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ओके, ब्राइट होते हैं कलर में, पेल होते हैं, ठीक है। और जो एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्रांच होते हैं, तो ब्रांचिंग इस तरह की होती है, तो इसे हम
एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड कहते हैं, ठीक है। और सेप्टेट हाइपी होता है, सेप्टेट का मीन्स है कि जैसे इनकी स्ट्रक्चर है इस तरह से, देन ये छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड होंगे, तो इस तरह के डिवीजन को ही हम सेप्टेशन या सेप्टेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और सम हाइफी जो होते हैं वो रेमिफाई होते हैं सुपरफिशियली, जो सबस्टेटम है। रेमिफाई का मीन्स है कि एक तरह से जैसे ब्रांचेस जो डालियाँ होती हैं वो फैली होती हैं, तो हाइफी जो होते हैं इनके सबस्टेटम के वो मतलब सबस्टेटम के ऊपर फैले हुए भी होते हैं डालियों की तरह। बट क्या होते हैं, अदर्स जो होते हैं वो पेनिट्रेट भी कर देते हैं डीपली इनटू द सबस्टेटम, मतलब सबस्टेटम के अंदर वो डीपली उसको पेनिट्रेट करके अंदर भी चले जाते हैं। ओके, मींस अंदर भी हो सकते हैं और फरी स्ट्रक्चर की तरह एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे रोएं की स्ट्रक्चर होती है उस तरह के स्ट्रक्चर की तरह ऊपर सबस्टेटम पर भी हो सकते हैं। ओके, तो डियर ये जो ब्रांचेस होती हैं या तो ये बाहर रहेंगी या पेनिट्रेट कर जाएंगे, फिर ये क्या होंगे, द लैडर एब्जॉर्ब फूड फॉर द एंटायर माइसीलियम, मतलब यही ब्रांचेस जो फैले हुए थे जो या पेनिट्रेट हो गए, पेनिट्रेट करके अंदर चले गए, तो वही माइसीलियम के लिए पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के लिए फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और हाइफी की बात करें तो हाइफी फ्रीली ब्रांच्ड होते हैं और फॉर्म करते हैं एक तरह का मैट का स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने देखा होगा जमीन के ऊपर, तो हाइफी आर फ्रीली ब्रांच्ड एंड फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सबस्टेटम, जो सबस्टेटम होता है उसके ऊपर मैट्स की तरह एक तरह से कॉज कर लेते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। और सिलेंडर स्ट्रक्चर होती है, डेलिकेट हाइफी होता है और स्मूथ, काफ़ी स्मूथ वॉल्स होते हैं हाइफी के, ये जो वॉल्स हैं काफ़ी स्मूथ होते हैं, ठीक है। यार एक कैम्पवेल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1917 में इनके स्ट्रक्चर को या माइसीलियम को स्टडी किया, तो उन्होंने जो इनके एक तरह से बोल सकते हैं कि जो लेयर्स हैं इनका स्टडी किया, तो इनका कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि ये मल्टी लेयर्ड हैं, मतलब ये इनकी जो लेयर होती है बॉडी वॉल जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। ओके, तो एविडेंस फॉर मल्टी लेयर्ड नेचर ऑफ द हाइफल वॉल, ओके, बट ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ ओनली डिफ्यूज फ्लोक्यूलेंट, मतलब डिफ्यूज एक तरह का फ्लोक्यूलेंट इन्होंने देखा, जैसे कि आपको ये दिख सकता है ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, नीचे से ये सबस्टेटम, इधर से कोनेडिया निकलेंगे, इसे हम स्टरेग्मा बोलते हैं या फाइलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इससे ही कोनेडियोफोर्स बनते हैं, ठीक है। मटेरियल जो होता है आउटर वॉल पे, जो सरफेस था, एक एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नाम का स्पेसीज है, वो बताया गया कि जो उसकी वॉल है उसका जो हाइफी है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है क्रॉस वॉल्स के थ्रू। ओके, जो उनकी वॉल्स होते हैं वो क्रॉस वॉल्स के थ्रू एक तरह से सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, जैसे ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यही होती है, बाकी ये मल्टी लेयर नहीं होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया। तो अगर हम क्रॉस वॉल्स की बात करें तो क्रॉस वॉल्स हैव ईच अ सिंपल, एक तरह का सिंपल सेंट्रल पोर होता है बीच में, जो कि परमिट करता है स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है उसकी स्ट्रीमिंग को, मीन्स जो एक एक सेल से दूसरे सेल तक साइटोप्लाज्म रीच करता है उसकी स्ट्रीमिंग को ये कौन परमिट करता है, जो सेंट्रल पोर है वो, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम वन सेल टू इनटू नेक्स्ट सेल, तो ये कौन परमिट करेगा, सेंट्रल पोर, ठीक है। जो हर सेगमेंट होगा, ईच सेगमेंट और सेल कंटेन्स वन टू मैनी न्यूक्लियाई, मतलब ये एक तरह से एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई भी इनके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर छोटे छोटे टिपिकल न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर जो न्यूक्लियस फाउंड होगा, जो इसकी सेल्स हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, तो जो सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस फाउंड होगा उसके ऊपर टिपिकल न्यूक्लियर पोर्स होंगे, ओके। और जो न्यूक्लियाई हैं वो एम्बेडेड होंगे एक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म में, ग्रैनुलर का मीन्स है कि उसके अंदर छोटे छोटे इस तरह के स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी पाए जाएंगे जिन्हें हम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के साइटोप्लाज्म को हम ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो द न्यूक्लियाई आर एम्बेडेड इन अ मास ऑफ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, ओके, विच ऑल्सो कंटेन्स, इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये एक तरह का फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में, मतलब जैसे हमारा जो न्यूक्लियस होता है, हमारा जो सेल होता है, ह्यूमन बींग का जो सेल होता है नॉर्मल सेल, उसके अंदर क्या होता है कि फ्री होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ईटीसी जो भी हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी, ये सब वगैरह, तो ये फ्री होते हैं। तो देन इनमें भी एक तरह की फ्री स्ट्रक्चर होती है, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स लैंग फ्री इन द साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वेसिकल्स, ये भी होते हैं कैसे, फ्रीली
रहते हैं। और लिपिड ग्लोब्यूल्स की बात करें तो जो इनका फूड रिजर्व फूड मटेरियल है या प्रिंसिपल रिजर्व फूड है वो किस में कंस्टिट्यूट होता है, लिपिड ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे लिपिड के ग्लोब्यूल्स में ये इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर जो फूड है वो स्टोर होता है। और जब इनकी सर्टेन कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो इनका जो ये माइसीलियम है ये स्क्लेरोटियम में एक तरह से डेवलप हो जाता है। अंडर सर्टेन कंडीशंस द माइसीलियम डेवलप्स इनटू अ स्क्लेरोटियम। ओके, स्क्लेरोटियम क्या है? कम्पैक्ट यूजली डार्क कलर्ड मास ऑफ हार्डन माइसीलियम कंस्टिट्यूटिंग अ वेजिटेटिव फूड स्टोरेज बॉडी इन वेरियस ट्रू फंगी। ओके, डिटैच व्हेन मैच्योर एंड कैन गिव राइज टू न्यू ग्रोथ। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कम्पैक्ट यूजली डार्क कलर स्ट्रक्चर होता है, मास होता है, हार्ड एंड माइसिलियम होता है, और जो वेजिटेटिव फूड स्टोरेज है उसकी मतलब इनके अंदर फील्ड होता है, और जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये न्यू ग्रोथ करते हैं, एक तरह का डिसीज कॉज करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि फॉर्म जीनस ऑफ स्टराइल इम्परफेक्ट फंगाई, एक तरह का इम्परफेक्ट फंगाई होता है जो कि बहुत सारे मैनी जो स्क्लेरोशिया हैं उन्हें फॉर्म करता है। ठीक है, जो कि कॉज करते हैं स्क्लेरोटियम डिसीज इन प्लांट्स, प्लांट्स में स्क्लेरोटियम डिसीज को कॉज करते हैं। ठीक है, तो एक अग्निहोत्री नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1968 में ये रिपोर्टेड किया था कि जो स्क्लेरोशिया है वो एस्परजिलस नाइगर में फेयरली हमें दिखता है, जो कि एक तरह का बोल सकते हैं डायमीटर में 0.8 to 1.2 millimeter तक का हो सकता है। ओके, तो डियर अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो है नॉर्मली ग्लोब्यूल्स और सब ग्लोब्यूल्स बॉडी होती है, नॉर्मली दे आर ग्लोब्यूल्स टू सब ग्लोब्यूल्स बॉडीज। ईच स्क्लेरोटियम इज अ सराउंडेड बाय अ क्रीम, जो स्क्लेरोटियम है वो सराउंडेड होता है क्रीम, एक बफ कलर, ब्लैक कलर में जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इस तरह के कलर में थिक वॉल से इंटरवोवन हाइफी होता है। ठीक है, जो कि एक तरह का स्यूडो पैरेन्काइमा, मतलब जैसे ये सेल हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर स्यूडो पैरेन्काइमा या स्यूडो पैरेन्काइमेटस कुछ टाइम के लिए फॉर्म होने वाली लेयर को फॉर्म कर लेता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होता है इनका माइसीलियम का। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इसके स्ट्रक्चर को, यानी माइसीलियम के स्ट्रक्चर को, एस्परजिलस के माइसीलियम को, और इनका क्लासिफिकेशन को कुछ इंट्रोडक्शन भी किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका रिप्रोडक्शन, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्यारे से टॉपिक के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।